नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मोदी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आया है, जहां पर पूरे देश के अंदर विरोध में शामिल होता हुआ ट्रांसपोर्ट व्यापारी भी नजर आए हैं। हम आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट व्यापारी की ओर से मोदी सरकार को दो टूक कहा गया कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश के अंदर चक्का जाम किया जाएगा और बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आप भी इस बिल का विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर देश के कई सारे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध में ट्रांसपोर्ट व्यापारी भी शामिल हो गए। ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का कहना है कि सवाल उनकी जिंदगी का आ गया है, इसलिए घरों के चूल्हे बुझने के कगार पर है, लिहाजा सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो 19 सितंबर से पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम कर देंगे। ट्रांसपोर्ट व्यापारी ने संगठन की ओर से यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 6 सितंबर को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंप कर राहत की मांग की थी। व्यापारी को कहना है कि इस पर अभी तक उनको कोई भी जवाब नहीं मिला है और किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। साथ ही यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर सुझाव देते हुए सरकार के सामने कहा है कि चलान का अधिकार सिर्फ एसपी और एसडीएम स्तर के अधिकारी को होना चाहिए, कानून का दुरुपयोग ना हो। व्यापारियों को बड़े स्तर पर जुर्माना देना पड़ रहा है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कानून का दुरुपयोग पूरी तरह से हो रहा है और व्यापारियों को अच्छा खासा खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को व्यापारियों की ओर से दो टूक कहा गया है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले लीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि व्यापारियों की ये मांग जायज है तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आई है, जहां पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से मायावती के साथ मुलाकात की गई है, जिसके बाद बसपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में हरियाणा में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सभी उन नेताओं को एकजुट किया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन टूटा था और इसके बाद बसपा कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन बनने को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई है और यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मायावती के साथ मुलाकात किया है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर हरियाणा के अंदर 13वीं विधानसभा में विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल के विधायकों की संख्या लगातार गिरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की कुर्सी मिल गई है। हालांकि इस कार्यकाल को खत्म होने के लिए केवल 1 माह बचा हुआ है, लेकिन औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया है, जिस पर मुहर लगा दी गई है। हम आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर इंडियन नेशनल लोक दल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, चौटाला परिवार के मचे घमासान के बीच में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव अशोक अरोड़ा ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इंडियन नेशनल लोक दल के पूर्व अध्यक्ष अरोड़ा ने कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के बीच अपनी मन की बात रखी है और बाद में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इसी के साथ ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन की राह पर चलना चाहती है, वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच में मुलाकात की गई है और दोनों नेताओं ने आपस में सीट बंटवारे को लेकर मुलाकात की है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मोदी सरकार के 100 दिनों के अंदर तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए का शेयर बाजार को तगड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, जहां पर निवेशकों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है और साफ तौर पर सरकार की नीतियां इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मंदी को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था मंदी की गहरी लगातार खाई में गिर रहा है, लेकिन लाखों हिंदुस्तानियों की आजीविका पर तलवार भी लटकी हुई है। बावजूद इसके मोदी सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही और साफ तौर पर मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक मंदी होने से मना करने को लेकर भी प्रियंका गांधी की ओर से तीखा तंज कसा गया है। अगर आप भी पर्पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बता सकते हैं कि आपको ये खबरें कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।